मैम, आज महाराष्ट्र दिवस है। महाराष्ट्र दिवस के अवसर पर आज आपने जो विधानसभा क्षेत्र वर्सोवा, उसको आपने प्लास्टिक मुक्त करने की ठान रखी है। क्या है पूरा, किस तरीके की योजना है कि जो आने वाले दिनों में और आज से प्लास्टिक मुक्त हो जाएगा? आज महाराष्ट्र दिवस है, सबको मैं हार्दिक शुभेच्छा देती हूँ। और इस अवसर पर आज हम वर्सोवा जो है वो प्लास्टिक मुक्त वर्सोवा करने जा रहे हैं। ये पहली विधानसभा है जो आगे आ रही है। इसमें हमारे महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है देवेंद्र जी फडणवीस साहब, उन्होंने प्लास्टिक मुक्त करने का जो ऐलान किया है उसको ही आगे लेके जा रहे हैं हम लोग। और यहाँ पे मतलब बचत गट जो है हमारे महिलाओं के, ये बचत गट इसमें बहुत अच्छा काम करने वाले हैं, उनको रोजगार मिलने वाला है और प्लास्टिक को दूर करना है। इसलिए हम इस टाइप का ये जो एटीएम है, वाटर एटीएम्स है, ये सब जगह बिठाने वाले हैं। और उनको पानी की सुविधा तो लोगों को मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन क्ले पॉट जो मतलब मिट्टी के बने होते हैं वो भी बचत गट महिलाएं जो है वो बनाएगी। और उसका भी वो बेच के उनको एक रोजगार मिलेगा और प्लास्टिक हटेगा। हमें प्लास्टिक हटाना है। मैं हमारे जो पीएम है नरेंद्र मोदी जी, उनका भी मैं अभिनंदन करती हूँ कि उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत जो स्वच्छाग्रह ये योजना लेके आए हैं, ये योजना हम आगे लेके जा रहे हैं। मेरे साथ डॉक्टर सुब्रमण्यम जी है, हम दोनों ये जो प्रोग्राम है ये वर्सोवा विधानसभा में तो अभी शुरू कर रहे हैं, लेकिन आगे जाके प्लास्टिक मुक्त महाराष्ट्र करने का भी हमारा मानस है। यानी इसके वजह से एक तो प्लास्टिक मुक्त भी होगा और लोगों को रोजगार भी मिलेगा, आपका जो एक थीम है। प्लास्टिक मुक्त होना ये तो हमारा पहला अहम ये है कि प्लास्टिक मुक्त होना ही चाहिए। पर्यावरण के दृष्टि से तो ये बहुत आवश्यक है और महाराष्ट्र ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है पर्यावरण दृष्टि से कि प्लास्टिक हटाओ, तो ये हमें आगे करना ही है। लेकिन इसके साथ साथ महिला सक्षमीकरण, महिला सशक्तिकरण जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हमें महिलाओं को आगे लेके जाना है, ये जो है उपक्रम, इससे हमारी महिलाएं रोजगार जो मिलेगा, बचत गट आगे आएंगे और महिला सशक्तिकरण होगा, विमेन एम्पावरमेंट होगा। ये बहुत बड़ा हासिल होने वाला है कि हमें इसमें से प्लास्टिक मुक्त वर्सोवा विधानसभा करते करते महिला सक्षमीकरण भी करना यहाँ पे हो जाएगा। सर, एक जिस तरह से आज एक महाराष्ट्र दिवस के अवसर पर एक स्वच्छाग्रह के तहत आपने एक नई स्कीम लॉन्च की है और एक नई योजना लेकर आ रहे, क्या है योजना और किस तरीके से आप वर्सोवा और तमाम पूरे देश भर में या पूरे महाराष्ट्र में हर जगहों से प्लास्टिक मुक्त करने वाले हैं? महाराष्ट्र दिवस के अवसर पर सभी को हार्दिक शुभेच्छा। ये एक बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए। स्वच्छाग्रह कार्यक्रम में डॉक्टर भारती लवेकर जी, जो यहाँ की आमदार हैं वर्सोवा विधानसभा क्षेत्र की, उनके साथ उनका जो टी फाउंडेशन है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है, उनके साथ पार्टनरशिप में हम एक स्वच्छाग्रह लगा रहे हैं। स्वच्छाग्रह का मेन आइडिया ये है, जो भी एक्टिविटी करेंगे वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली होगा, वो ग्रीन होगा। तो इसमें हम वाटर एटीएम्स, जिसको हम ग्रीन एक्वा टीएम्स कहते हैं, वो इम्प्लीमेंट कराएंगे हर जगह जगह पर। ये वाटर एटीएम को बिजली लगती नहीं है और रिवर्स ऑस्मोसिस जैसा पानी वेस्ट होता नहीं है, तो इससे एनवायरमेंटल फ्रेंडली एक्टिविटी हो जाता है। साथ में जो पानी लिया जाता है उसको हम क्ले बॉटल्स के मार्फत ये पानी को हम डिस्पेंस करवाएंगे। ये दोनों एक्टिविटी, वाटर एटीएम और पॉटरीज, जिसको फंड किया जाएगा, वो मुद्रा के अंदर और पीएमईजीपी के जो स्कीम्स हैं उसके अंदर महिला बचत को फंड करा करके उनको एम्पावर किया जाएगा। तो ये बड़ा यूनिक इनिशिएटिव है, प्लास्टिक फ्री महाराष्ट्र, जो प्लास्टिक फ्री वर्सोवा से स्टार्ट होगा। बड़ा यूनिक है क्योंकि ये जैसे ही पानी रहेगा, ये स्किल कौशल विकास भी एनेबल करेगा, महिलाओं को स्किल डेवलप किया जाएगा, उनका लाइवलीहुड क्रिएट किया जाएगा, उनको फंड किया जाएगा और वो पानी बेच करके, क्ले बॉटल बेच करके अपनी आमदनी क्रिएट करेंगी और इस माध्यम को कंटिन्यूसली सस्टेन कराएगी। माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने प्लास्टिक मुक्त महाराष्ट्र का गुड़ी पाड़वा के दिन ऐलान कर दिया था। ये पहला स्टेप है उस दिशा में जहाँ पर हम प्लास्टिक मुक्त वर्सोवा करा करके, इसको एक मॉडल बना करके पूरे महाराष्ट्र भर में इसको इम्प्लीमेंट करा करके प्लास्टिक फ्री स्टेटस, जो अभी ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस है, इसके बाद का नेक्स्ट ट्रेंड होगा प्लास्टिक फ्री स्टेटस। ओपन डेफिकेशन फ्री एंड प्लास्टिक फ्री हो जाएगा तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है स्वच्छ भारत अभियान का, सही में इम्प्लीमेंट हो जाएगा।